मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम कौन सा सूत्र पढ़े थे? अपदांता टोर नाम, ये सूत्र पढ़े थे। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे जलाम जशो अंते सूत्र। सबसे पहले तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जलाम किसे कहते हैं, ये क्या है। यह एक प्रत्याहार है। अब ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं कि प्रथम वर्ष में जो आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। और उन माहेश्वर सूत्रों से क्या बनते हैं? प्रत्याहार बनते हैं। माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार बनते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, प्रत्याहार सबसे पहले तो हम किसे कहते हैं ये चर्चा करेंगे। प्रत्याहार उसे कहते हैं जो प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण से बीच में मध्यवर्ती वर्णों का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। तो उन प्रत्याहार में, जैसे सबसे पहले मैं उदाहरण बता रही हूँ कि अण, ठीक है। अब अण में मैंने क्या किया, अ को तो पूरा बोला और ना को क्या किया, उसका उच्चारण बहुत जल्दी कर लिया। अब उच्चारण जल्दी करने का कारण क्या है कि उसमें जो ना है उसमें क्या है, हलंत है। और जो हलंत वाले वर्ण होते हैं, संस्कृत में आपने अधिकांश देखा होगा कि जो हलंत वर्ण होते हैं उसमें क्या होता है, स्वर नहीं होता है। अर्थात स्वर, देखो सबसे पहले व्याकरण में चीज़ें क्या होती है, एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो हम इन दोनों की परिभाषा पहले जान लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, जो बिना किसी सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे अ है, आ है, ई है, ये सब क्या, स्वतंत्र वर्ण हैं। लेकिन व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने कहा क, तो क में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की ध्वनि आ रही है। यदि अगर इसको लिखते हैं तो क हलंत प्लस अ क्या बनेगा, क। क हलंत प्लस आ बराबर क्या बनेगा, का, ठीक है। ये सब आप बारह खड़ी की चीज़ें हैं, आप पहले पढ़ ही चुके हो इन सब बातों को। हम आगे पढ़ते हैं कि इसी तरह से ये जो प्रत्याहार है वो संधि में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे जल प्रत्याहार है तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, हर्ष प्रत्याहार है तो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो संधियाँ ये जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले आपको प्रथम वर्ष का जो संधि प्रकरण है, असंधि प्रकरण, उसको एक बार देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उसे जब आप देख लेंगे और माहेश्वर सूत्रों को और प्रत्याहार को देख लेंगे तो आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब सूत्र हम पढ़ते हैं, जलाम जशो अंते सूत्र। पदांते जलाम जशः स्युः, पदांते जलाम जशः स्युः, और उदाहरण क्या है, वागीशः। अनुवाद है इसका, पदांते अर्थात पद के अंत में, कौन सी विभक्ति हो गई, सप्तमी विभक्ति। जल प्रत्याहार के वर्णों को जश वर्ण आदेश होता है। जल प्रत्याहार के वर्णों को कौन सा वर्ण आदेश होता है, जश वर्ण आदेश होता है। अब ये जो व्याख्या है, सबसे पहले आपको सूत्र के क्या करना है, संस्कृत में परिभाषा देनी है, फिर उसका अनुवाद बताना है, और उसके बाद आप क्या करोगे, व्याख्या करोगे, यानी सूत्र को समझाओगे किस तरह से। जैसे पद के अंत में स्थित जल प्रत्याहार जब से लगाकर हल तक के वर्णों को जल प्रत्याहार के वर्ण कहते हैं, के वर्ण के स्थान पर जश प्रत्याहार, और जश प्रत्याहार में कौन कौन से हो गए, ज ब ग द श, ठीक है, श की संज्ञा हो जाती है, के वर्ण आदेश होते हैं। अब हम कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि वर्ग जो होते हैं वो पांच होते हैं, ठीक है। आज मैंने तुम्हें लिख कर बताया कि वर्ग कितने होते हैं, पांच होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे क वर्ग में कौन कौन से वर्ण हैं, क ख ग अंग, च वर्ग च छ ज ज इय, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, और त वर्ग त थ द धन, प वर्ग प फ ब ब और म। यहाँ जल प्रत्याहार में वर्ण वर्ग के, देखो जल प्रत्याहार मैंने इसमें बता भी दिया आपको कि एक दो तीन और हल, ठीक है ना। जल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं, इस तरह से आप याद कर लेना कि वर्ग कौन से, ऊपर देखो है ना, जैसे क है तो प्रथम वर्ण है, फिर मैंने बताया कि दो तो ख वर्ण हो गया, और फिर मैंने बताया कि इसमें चार तो कौन सा हो गया, ग हो गया। यानी जल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हो गए, एक दो चार और हल, ठीक है। यहाँ प्रथम द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान पर क्या होता है, तृतीय वर्ण आदेश होता है। अब देखिए आपके प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा होता है, जैसे क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया, देखिए आप ग है। च वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया, ज है। ट वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया, ड है।
और त वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया द है और प वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया ब है। ये आदेश कहाँ पर होंगे, एक दो चार की जगह यह तीन, यह जो जश प्रत्याहार है उसके वर्ण आदेश होंगे। जिस तरह से हम उदाहरण पढ़ेंगे वागीशः, वागीशः क्या है आपका समस्त पद है और टुकड़े करने पर वाक प्लस ईशः बनता है। अब यहाँ पर वाक क है, प्रथम पद में अंतिम वर्ण कौन सा है देखिए आप क है, और इसी जगह क वर्ग का तृतीय वर्ण कौन सा हो गया ग हुआ, तो यहाँ पर तृतीय वर्ण कौन सा हो गया वाक, यहाँ तृतीय वर्ण आदेश क के स्थान पर होता है। ठीक है, वागीशः समस्त पद और वाक प्लस ईशः विग्रह हुआ, संधि का विग्रह होता है, और इसी तरह से क वर्ग का तृतीय वर्ण क्या है ग आदेश हुआ और वाग प्लस ईशः यह वागीशः रूप सिद्ध हुआ। अब यदि अनुनासिक